प्रशासन दे प्रबंध मुर्दाबाद 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद पंचायती चोणां दे दौरान एक एग्रीकल्चर विभाग दे मुलाजम दी मौत तो बाद हुण मामला लगातार तूल फड़दा नजर आ रहा। दस्सीए कि हुण एग्रीकल्चर विभाग दे बाकी मुलाजमां दे वल्लों भी इस नूं लै के हुण मंग कीती जा रही है कि जल्द तो जल्द जो अफसर ने उन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाए जिन्हां ने उस नूं बीमारी की हालत दे विच वी ड्यूटी दे उत्ते प्रेशर पा के बुलाया। तो दस्सीए कि गुरदासपुर के धारीवाल तो यह मामला सामने आया है जिथे कि चोणां दे दौरान 15 अक्तूबर नूं एक एग्रीकल्चर विभाग के आरओ नूं जबरदस्ती ड्यूटी के उत्ते बुलाया जाता है जबकि कहा जा रहा है कि वह काफ़ी ज़्यादा बीमार सी ते हस्पताल दे विच उसदे ड्रिप लगी हुई सी ते वह मुलाजम जो है ड्रिप समेत ड्यूटी करन दे लई पहुँचता है जिथे जाके उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है ते उसदे नाल दे साथियों के वलों जदों चुक के गड्डी दे विच बिठाया जाता है इलाज के लिए हस्पताल लैके जाया जाता है तो इस दौरान उसके वलों दम तोड़ दिता जाता है जिस तों बाद हुण परिवारक मैंबरां दा रो रो के बुरा हाल है ते नाल दे साथियों के वलों हुण धरना प्रदर्शन शुरू कर दिता गया जिस दे विच उन्होंने कहा है कि लगातार ये जगमोहन सिंह जो कि आरओ सी जिसकी की मौत हुई है वह बीमार चल रहा सी बावजूद इस दे उसनू ड्यूटी ते बुलाया गया ते तंग परेशान किया गया। हालात एहो जे सी कि एक दिन जगमोहन का पूरा परिवार उसकी पत्नी अते बच्चे भी उसनू लैके पहुँचे सी ड्यूटी करवाउण दे लई पर उस समय भी जो अफसर सी उन्होंने तरस नहीं आया ते उस दे कोलों पूरा दबा के कम लिया गया जिसके कारण उसकी होर तबीयत बिगड़ी ते 15 अक्तूबर नू जदों चोणां होणियां सन तां उस समय भी उसनू बुलाया गया ते जदों उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उत्थों ती उसनू हस्पताल दे विच भेजा गया जिथे जाके उसने दम तोड़ दिता है ते हुण इस मामले नू लैके उसके बाकी साथियों के वलों इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। मेरे नाल बतौर रिटर्निंग अफसर लगे हुए थे धारीवाल दे विच ओह बीमार सीगे 5 तरीक नूं जिदन सिक्योरिटी सी उदन रात में उल्टियां कर रहे थे वो अपनी लिस्टां जमा करवा के चले गए 6 नूं वह कितें होस्पिटल एडमिट सीगे 7 तरीक नूं उन्हां नूं होस्पिटल तो प्रैशराइज करके ड्यूटी ते बुलाया गया। उन्हां दी वाइफ नाल आई 2 उन्हां दे घर तो मैंबर होर आए नॉमीनेशन पेपर जिस दिन वापस ले जा रही 7 तरीक नूं जिहड़ा वो आर ओ सीगा बेचारा बीमार सीगा साडा मुलाजम वो वाण दे मंजे ते लम्मे पिया सीगा नॉमीनेशन वाले वापस लैण वाले कमरे दे विच जिहड़ा उहदा सेंटर सीगा मंजे ते लम्मा पिया ड्रिप लगी आ वाइफ उहदी सराहणे बैठी आ कितना काम कर सकता वा इहो इन्नी इन ह्यूमैनिटी साढ़े विच आ गई आ। पहली उत्थे नोडल अफसर नैब तहसीलदार ने जदों मैनूं पता लगा तीसरे कमरे च मैं बैठा सीगा मेरे किसी बंदे ने दस्सिया वी ओह बीमार आ ते जाओ मैं उत्थों अपनी नॉमीनेशन छड्ड के मैं उठ के गया उत्थों मेरे सासी ने असीं दोवां जणे धक्के नाल विरोध करके नैब तहसीलदार का अं उन्हों वो गड्डी दे विच पाया वो परिवार को कहा कि तुम इन्हों लै जाओ कोई गल नहीं इतने ERO साहबान वो है ड्यूटी वो कर लैणगे। उस वेले माणयोग SDM साहब को फोन किया गया असी यह गलता मतलब खंडन करते हैं कि SDM साहब ने 5 मिनट बाद ही RO की जी नवा RO आ नवा रिटर्निंग अफसर जो थान जो लगा दिता गया पर गल यह भी एक बंदा होस्पिटलाइज होया वा तो उन्होंने होस्पिटलाइज होए ड्यूटी से बुलाना की ये चंगी गल सी की माड़ी मैं मैनू जदों पता लगा डैथ का मैं आप गया संस्कार से गया प्रशासन को मैं SDM साहब ने गल की ठीक है उन्होंने जिन्हें इलैक्शन करके पंचायत इलैक्शन करके रुझे ही इन्ने किसी ने गल सुन का मोहन शायद देखो आप अपने लैवल से आप जी चीज़ दसनी दस दी है कहती सी गल हों भी मैं कोई रिटर्न आए तो आने गल फैमिली ने सू लिख के देना ही ना चीफ साहब की गलती नहीं है ये मेरी गल मैं कोई गलत नहीं ना कर रहा ठीक है दसो मैं दसो मैं उस वेले जो मैं खबर आई मैं SDM जे गुरदासपुर को फोन किया ठीक है ना भी आह बंद दस कहते मैं बाद सुनूंगा गल बाद गल सुनूंगा अजे मैं टीम पूरी करा दसो मैं कहीं करा उस तो बाद अं रुझे हैं अं सारी गलबात हो रही है नहीं नैब तहसीलदार धक्के मार के इन्होंने अपनी गड्डी दे विच उस बंदे नूं सुट्टिया अपने उहदे हाथ जिहड़े एदां मुड़े हुए सी कि उह इस हालत विच काम करन दे योग हैगा सी जे प्रशासन रेवन्यू जिहड़ा रिजर्व स्टाफ हुंदा किस वास्ते हुंदा वा साडी इह मंग आ वी जे इक साडे साथी दा कतल नहीं होया इक परिवार दा कतल होया जेकर साडे साथी नूं इंसाफ ना मिलिया असीं सोमवार जिहड़ा मानजोग डी साहब नूं मिल के जे सानूं इंसाफ दी कोई किरण ना जापी तां जिहड़े उहदा प्रशासन नूं किनारे विच खड़ा करांगे उहदे ते FIR दर्ज होणी चाहीदी है तां कि इह अजे ते इक चोणां होईआं ने स्टबल बर्निंग दे विच साडे साथी जिहड़े सदमे दे विच ने क्योंकि असीं किसान दे हितू आ असीं ना कि असीं दुश्मन उहदे झोना चुकया नहीं जा रहा झोना चुकया नहीं जा रहा ये बड़ा अनफोर्चुनेट होया
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਫਿਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਔਫਿਸਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਪਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।